वेटरन फिल्म अभिनेता और थिएटर आर्टिस्ट ओमपुरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री से फिल्मों के चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। 18 अक्टूबर 1950 को अंबाला में जन्मे ओमपुरी का निधन 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ। ओमपुरी उन चंद एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने पैरेलल सिनेमा से लेकर कमर्शियल सिनेमा तक में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। ओमपुरी के निधन की खबर सुनकर उनके साथी कलाकार शॉक्ड हैं। ओमपुरी के मौत की खबर सुनकर महेश भट्ट ने ट्विटर पर लिखा कि मेरा एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए चला गया। वहीं अनुपम खेर ने लिखा कि भरोसा नहीं हो रहा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक ओमपुरी अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं बहुत दुखी और शॉक्ड हूँ। रितेश देशमुख ने लिखा कि ओमपुरी नहीं रहे, इस खबर से मैं कितना सकते में हूँ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो हमें हमेशा याद रहेंगे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ओमपुरी जी के साथ एक युग खत्म हो गया पर विरासत हमेशा रहेगी। मधुर भंडारकर ने ट्वीट किया प्रतिभाशाली अभिनेता ओमपुरी हमारे बीच नहीं रहे, फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान, रेस्ट इन पीस। एक दूसरे ट्वीट में ओमपुरी के साथ फोटो शेयर करते हुए भंडारकर ने लिखा हमें आप याद आएंगे। मनोज वाजपेयी ने ट्वीट किया कि ओमपुरी के देहांत के बारे में सुनकर शॉक्ड हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं सोनू सूद ने ट्वीट किया आप बेहतरीन थे, हम हमेशा आपको याद करेंगे। मुझे और पूरी दुनिया को इतनी अच्छी यादें देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। सनी देओल ने ट्वीट किया ओम जी हम आपको हमेशा याद करेंगे। वहीं आमिर खान ने दुख जताते हुए लिखा कि भारतीय सिनेमा के एक बेहतरीन कलाकार को हमने खो दिया। राजपाल यादव ने भी दुख जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि ओमपुरी नहीं रहे, इस खबर से शॉक्ड हूँ, हमने एक शानदार और प्रतिभाशाली कलाकार खो दिया, हम उन्हें दिल से याद करेंगे। न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि क्रिकेट जगत भी ओमपुरी के निधन से दुखी है। वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर संवेदना जाहिर करते हुए लिखा कि हमारे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक ओमपुरी के निधन पर संवेदना। मोहम्मद कैफ ने लिखा कि सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक ओमपुरी अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ओमपुरी के निधन पर संवेदना जताई है।